नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीप जोशी जी अल्मोड़ा से। दीप जोशी जी, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा। यहाँ लॉकडाउन की किस तरीके से क्या स्थिति है? लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, पालना कर रहे हैं, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, कृपया बताएं। यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। दुकानों में भी आइसोलेशन रखा गया है। लोग दूर दूर से सामान ले रहे हैं, जैसा कि मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है पूरी बाजार में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। मार्केट देखिए, जोड़े गौर से देखिए, मार्केट में पूरा आइसोलेशन बना हुआ है। लोग बिल्कुल बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं सामान लेने। यहाँ 7 से 1 बजे तक लोगों के लिए सामान लेने की व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन द्वारा, और उसके बाद भी लोग ज्यादा तादाद में नहीं है इकट्ठे। देखिए आप, जोशी जी, आप जिस बाजार में खड़े हैं, इसका नाम क्या है? ये बाजार का नाम है खजांची मोहल्ला है, यहाँ की फेमस बाजार है। कहते हैं पुरातन ये काल में वही यहीं बाजार से है जो मार्केट अल्मोड़ा शुरू का हुई सबसे थी। बिजी बाजार रहता है, सबसे व्यस्त मार्केट है ये। मार्केट बंद है, लेकिन यहाँ 7 से 1 बजे तक व्यवस्था बनाई गई है सामान खरीदने की। उसके बाद भी लोग नहीं दिख रहे हैं। देखिए, लोग कोई ज्यादा लोग नहीं है बाजार पे, इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं सामान लेने के लिए। 1 बजे बाद पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाएगा यहाँ पे। जैसा कि दिख रहा है, ये जो लोग निकल रहे हैं वो मास्क नहीं पहन के जा रहे हैं, क्या प्रशासन यहाँ पर इनको मास्क पहनने की हिदायतें नहीं दे रहा? इस समय जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ अभी आप न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे कि अल्मोड़ा में 3-4 दिन से कोई संक्रमण नहीं पकड़ा गया है। तो यहाँ अभी कंपलसरी नहीं किया गया है, जहाँ पे व्यस्त एरिया है वहां पे मास्क के लिए कंपलसरी किया गया है। इस उत्तराखंड राज्य में सामान बेच रहे हैं सब्जी वाले। कुछ शहरों से ये कंप्लेंट आ रही है कि प्राइसिंग जो है शूट अप हो गई है, लोग ज्यादा दामों में बेच रहे हैं, क्या इस प्रकार से कुछ अल्मोड़ा में भी देखा गया है? प्राइसिंग थोड़ा शूट अप हुई थी, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें जो राशन और सब्जियों के दाम नियत कर दिए गए हैं, और उससे ज्यादा कोई बेचता है तो प्रशासन उसमें सख्ती कर रही है। जो लोग रास्ते में प्रशासन द्वारा पकड़े गए उनको क्वारंटाइन करके रखा गया है। करीबन 40 लोग यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज में 40 लोग कर रखे हैं, और एक महिला बालिका राजकीय इंटर कॉलेज है, 40 लोग वहां क्वारंटाइन कर रखे हैं। देखिए, लोग आ रहे हैं, देखिए पूरा मास्क लगा के पूरा अपने उसमें अनुपालन कर रहे हैं, इसका जो आइसोलेशन के जो नियम बनाए गए हैं प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों का। और जो हाँ बात चल रही थी हमारी खाने की व्यवस्था की, तो एक रोटी बैंक की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ के समाज सेवी कार्यकर्ता उसमें खाना पैक कर रहे हैं। कुछ कारीगर यही लगाए गए हैं जो आपसे खाना बना समझना रहे चाह हैं। रहा था कि समाज सेवी संस्थाएं ज्यादा आगे आ रही हैं कि सरकार ज्यादा आगे आ रही है? देखिए, दोनों अपनी तरफ से क्रियाशील हैं, समाज सेवी संस्थाएं भी आ रही हैं और काम वाले भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। और प्रशासन भी अपनी ओर से राशन मुहैया करा रहा है, और समाज सेवी संस्थाएं वहां पे अपनी कार सेवा देकर खाने को पैक करना, उसको पहुंचाना, वार्ड वाइज लोगों को आइडेंटिफाई करना मना कर रखे हैं। दीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद अल्मोड़ा से लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। आपसे फिर हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।